आधुनिक तकनीक के लाभ कृषकों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने सूचना की शक्ति को किसानों की समस्या से जोड़ते हुए खेती एवं विपणन से संबंधित सूचनाएं देने के लिए एगमार्कनेट पोर्टल तैयार किया। एगमार्कनेट भारतीय कृषि उपज मंडियों को आपस में जोड़ने वाला एक ऐसा तंत्र है जो किसानों व कृषि उत्पाद विक्रेताओं को विभिन्न मंडियों के भाव, मौसम की जानकारी, मंडियों का इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर से संपर्क की सुविधा एवं मंडियों में उत्पादों की आवक जानने की व्यवस्था प्रदान करता है। इस पोर्टल के जरिए किसान अपनी फसल अच्छे दामों में बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, स्वस्थ बीजों की खरीदारी कर सकते हैं, साथ ही फसल के रोगों के लक्षण बताकर सटीक इलाज की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए दुनिया भर के विशेषज्ञ किसानों की समस्याओं का समाधान देंगे। किसान एक तरफ अनाज की विभिन्न किस्मों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तो दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग मंडी बोर्डों से भी जुड़ सकेंगे। अपनी मंडी के अलावा आसपास की मंडियों के भी भावों की जानकारी मिलेगी, जिससे वो जिस मंडी में उचित दाम उसको मिलता है उस मंडी में वो अपने अनाज को जाके बेच सकता है। और इसी के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा एक एगमार्कनेट पोर्टल का किया गया है, एगमार्कनेट पोर्टल जिसकी वेबसाइट का एड्रेस का नाम है www.agmarknet.nic.in। इसमें जाके यदि हिंदी में किसान देखना चाहेंगे तो हिंदी में प्राइस वगैरह, उसकी सब उपजवार, मंडीवार, दैनिक रिपोर्ट वो देख सकता है। मूल आवक की जानकारी मंडीवार, उपजवार, दैनिक रिपोर्ट में यदि क्लिक करेगा किसान तो उसको मध्य प्रदेश के आसपास के भी जितनी मंडियों का डाटा डेली हम लोग भेजते हैं वो सब इसमें दिखाई देगा। जैसे ये आप देख रहे हैं कि शहडोल का है ना, ये 650 रुपये गेहूं के बारे में 650 रुपये अभी शेड्यूल चल रहा है। सुजालपुर में 740 से 750, मैक्सिमम 750 है। 918 रुपये है अशोकनगर में, 1276 रुपये अशोकनगर में चल रहा है ये सरबती का। तो यदि इसको 650 के पास की शेड्यूल में ये है और वो यहाँ बेचना चाहता है अशोकनगर 1276, तो उससे फ़ायदा है कि वो अपनी दूसरी मंडी में जो जहाँ उचित दाम है वहाँ अपने अनाज को ले जा सकता है। तो ये वेबसाइट में डेली डाटा ट्रांसमिशन होता है और इसके माध्यम से किसानों को उचित मूल्य कहाँ मिल सकता है उसकी जानकारी भारत सरकार द्वारा, कृषि मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ये वेब पोर्टल किया गया। किसानों के बीच इस पोर्टल का प्रचार प्रसार करने व उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए DMI ने ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी आईसेक्ट को चयनित किया है। आईसेक्ट को ग्रामीण क्षेत्रों में IT प्रचार प्रसार एवं उनके नवोन्मेषी प्रयासों हेतु इंडियन इनोवेशन अवार्ड 2005 से सम्मानित किया जा चुका है। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आईसेक्ट ने प्रचार प्रसार की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा है। पूर्व मेला गतिविधियां, यात्रा व किसान सूचना मेले का आयोजन और मेले के पश्चात की गतिविधियां। ये जो किसान सूचना तकनीक यात्रा है ये किसानों को सूचना तकनीक से जोड़ने के लिए निकाली गई है। भारत सरकार का एक एगमार्कनेट नाम से पोर्टल है और इस पोर्टल के बारे में लोग जानें, किसान जानें, उनका उपयोग शुरू करें, कंप्यूटर केंद्रों पर आएं और वो जानकारी हासिल करें, ये इसका मूल लक्ष्य है। हमारी सोसाइटी ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसको आईसेक के नाम से जानते हैं, पहले भी IT यात्राएँ निकालती रही है और उनका लक्ष्य मूल रूप से IT को जनता तक पहुँचाने का है। इस बार कोशिश ये है कि किसानों तक और फार्मर्स तक हम उनके उपयोग की जानकारी ले जाएँ, वेबसाइट और पोर्टल के बारे में बताएँ और लगभग 80 मंडियों पर ये यात्रा इस समय निकाली जाने वाली है। हम लोग प्रदेश में करीब करीब 41 जिलों में और 80 मंडियों में ये आयोजित कर रहे हैं। प्रत्येक मंडी में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उबदलागंज मंडी है, यहाँ पर किसान मेला भी लगाया गया है और किसानों से बातचीत भी की जा रही है, उन्हें पर्चे बांटे जा रहे हैं, एग्जीबिशन लगाई गई है और ये जो हमारी मोबाइल वैन है इस वैन के माध्यम से इनको और जानकारियाँ भी दी जा रही हैं। इस वैन में कंप्यूटर लगे हुए हैं और ये सोलर एनर्जी से चलती है और इस पर वो पोर्टल प्रदर्शित किया जा सकता है जिसके बारे में बात की जा रही है।
एगमार्कनेट पोर्टल न सिर्फ फसलों और मंडियों के भावों की जानकारी देता है बल्कि उस पर वेदर की जानकारी, मौसम की जानकारी भी है, उस पर सॉइल टेस्टिंग के बारे में भी कुछ बातें हैं और किसानों से संबंधित काफ़ी सूचनाएं उस पोर्टल के ऊपर हैं। दिक्कत यह है कि किसान क्योंकि कंप्यूटर पर जाता नहीं है और उसको इसके बारे में बहुत अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो इसका उपयोग नहीं कर पाता। तो अपनी कोशिश है कि ये अवेयरनेस फैलाई जाए और साथ साथ हमारे जो केंद्र हैं वो जानकारी देना भी शुरू करें। मंडियों में भी NIC ने कंप्यूटर केंद्र लगाए हैं तो उन केंद्रों पर भी ये जानकारी मिल सकती है। कोशिश ये है कि एगमार्कनेट यात्रा के बाद ज़्यादा किसान ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, अपनी फसलें ज़्यादा अच्छी तरह बेच पाएंगे। चयनित टीम द्वारा पोर्टल का बारीकी से अध्ययन कर किसानों को देने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की गई तथा इनके आधार पर पोस्टर प्रदर्शनी तैयार की गई, साथ ही फोल्डर एवं पर्चे भी छापे गए। प्रदेश की सक्रिय मंडियों की सूची तैयार कर इन मंडियों के आसपास स्थित आईसेक्ट केंद्रों को यात्रा के लिए चुना गया। केंद्र इंचार्ज को एगमार्कनेट का प्रशिक्षण दिया गया तथा गतिविधि के उद्देश्य भी समझाए गए। तो मूल रूप से भारत सरकार के कृषि विभाग ने ये कहा कि 80 मंडियों में आप चयनित मंडियों में मध्य प्रदेश की एक अवेयरनेस कैंपेन करें जिसमें कि किसान को ये मालूम पड़े कि ये पोर्टल है, कि इसमें ये जानकारियां मिल सकती हैं कि वो उसका उपयोग करना शुरू करें और फिर आप स्वयं भी उसके एक्सटेंशन सेंटर बन सकते हैं। तो कोशिश हम ये करेंगे कि जब यात्रा निकल जाएगी या कैंपेन हो जाएगी तो आप इसको अपने सेंटर को भी एगमार्कनेट से जोड़ लें और वहां पर से जानकारी देना शुरू करें। आगे चलकर आप स्वयं भी उसके एक्सटेंशन सेंटर बन जाएंगे। हमको इसी पोर्टल को पॉपुलराइज करना है और इसके यूसेज को पॉपुलराइज करना, किसानों को उसके द्वारा होने वाले लाभ की जानकारी देना। इस पोर्टल को चलाकर हमको दिखाना पड़ेगा और इससे किसानों के उपयोग में आने वाली लाभकारी सूचनाओं को निकालना होगा, क्योंकि जानकारियां निकाल सकते हैं ये बताना होगा। एगमार्कनेट यात्रा के दौरान पहले तो यात्रा की कुछ एक्टिविटीज होगी जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आप एक किसान मेले का आयोजन करेंगे, प्री मेला एक्टिविटीज, किसान मेला एंड पोस्ट मेला एक्टिविटीज। यहाँ से जाने के पश्चात आप एक आयोजन समिति का गठन करेंगे जिसमें केवल करीब करीब 8-10 लोग हो सकते हैं। प्रशिक्षण के पश्चात इन्हें प्रचार सामग्री वितरित की गई। एगमार्कनेट यात्रा का एक विशेष प्रारंभिक कार्यक्रम आईसेक के स्कूप प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के कृषि मंत्री श्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने किसानों एवं ग्रामीणों को संबोधित किया तथा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। आईसेक के महानिदेशक श्री संतोष चौबे द्वारा कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं रूपरेखा पर प्रकाश डाला गया कि जिस भी मंडी में आप जाएंगे थोड़े समय में आपको उस मंडी में ही वो कंप्यूटर मिलेगा। सामान्य रूप से मंडी सचिव के यहाँ पर या कि वहीं पर एक कमरे में आपको कंप्यूटर प्राप्त होगा। तो चित्रों के माध्यम से भी आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अपने आईसेक के केंद्र सभी मंडियों पर हैं तो उनसे भी कह रहे हैं कि भाई आप भी ये एगमार्कनेट पोर्टल जो है अपने यहाँ पर दिखाइए। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर जेजी नेगी व DMI से श्री लल्लन राय ने ग्रामीणों एवं किसानों को संबोधित किया। APMCs हैं, उनको कंप्यूटर से जोड़ा जाए। मंडियों की प्रोफाइल जिसमें सारी सूचना, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये सब सूचना भी उस पर हम डाल रहे हैं। महोदय, हम GIS बेस्ड एटलस बना रहे हैं क्योंकि किसान कंप्यूटर चलाना नहीं जानता तो उसको कैसे पिक्टोरियल चीज़ें दिखा करके और जानकारी दी जाए, उसमें मैप के जरिए सारी सुविधाओं का डिजिटल फॉर्म में
सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने में ये भी इस पर लोड हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि मध्य प्रदेश से शुरू हो रहा है और हिंदुस्तान की पहली इस प्रकार की यात्रा है, इसलिए मुझे सचमुच में बड़ा हर्ष है और मैं अपनी सारी शुभकामनाएं और बधाई चौबे जी इनके ग्रुप को, उनके टीम को देना चाहता हूँ। और इस यात्रा का परम उद्देश्य जो है हमारे करीब 74 करोड़ ग्रामवासियों तक ये शक्ति पहुँचाना है। राज्य के कृषि मंत्री श्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने किसानों एवं ग्रामीणों को संबोधित किया। आज यहाँ पर एक मार्ग नेट यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। खेती समृद्ध कैसे हो, किसान को शोषण से मुक्ति कैसे मिले, मैं समझता हूँ ये यात्रा और जो सूचनाएं किसानों को प्राप्त हो रही है ये उनको शोषण से मुक्ति दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी। मेरी ओर से आपको से एक मार्ग नेट यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। इन सब औपचारिकताओं के पश्चात अतिथियों ने आइसेक्ट द्वारा यात्रा के लिए विशेष रूप से तैयार की गई आईटी वैन में लगे कंप्यूटरों पर वेबसाइट www.agmarknet.nic.in का अवलोकन कर यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया तथा सफल समापन के लिए शुभकामनाएं भी दी। ये जो यात्रा है एक बड़ी पुनीत यात्रा है, एक पावन यात्रा है जिसके माध्यम से हमारे करीब 74 करोड़ जो भारतवासी है इनके पास में ये इनसे संबंधित ज्ञान जो है उसका प्रसार प्रचार होगा। तो यात्रा एक बड़ा अच्छा मोमेंट है जिसकी वजह से ये किसानों को ये पता लगा कि उनके चीज़ों के दाम कैसे हैं। आज किसान बड़ा दुखी है, जैसा बोलते हैं घाटे का व्यापार है, करीब मुश्किल से उनको 25% प्राइस जो बाज़ार में होती है उसकी मिलती है और अमेरिका में करीब 75% उनको अपनी कीमत वसूल हो जाती है। तो ये ज्ञान के माध्यम से इनको पता लगेगा कि कहाँ बेचने से कहाँ कितना पैसा मिलेगा, कितना मिलना चाहिए, फिर रोग क्या हो गए हमारे फसलों को, इनको कैसा हो किया जाए। एग्मार्कनेट यात्रा स्कोप कैंपस से होती हुई ओबेदुल्लागंज मंडी पहुंची, जहां यात्रा के साथियों, किसानों व अन्य ग्रामीणों को संस्कृति एवं खनिज संसाधन मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने संबोधित किया तथा अन्य साथियों द्वारा इसकी रूपरेखा समझाई गई। सम्माननीय हमारे मंत्री जी मंच पर है, उनको इस बात की मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि आईसेक्ट के माध्यम से आईसेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में और जनजात क्षेत्रों में आईटी के क्षेत्र में बहुत अच्छे अभिनव प्रयास कर रहा है। उनके प्रयासों के माध्यम के कारण ही अभी फरवरी में उन्हें नेस्कॉम इनोवेशन अवार्ड से उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं आईसेक के सभी परिवार को इस अवार्ड के लिए भी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज जो एग्मार्कनेट यात्रा प्रारंभ हुई है वो इसी उद्देश्य को लेकर प्रारंभ की गई है कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही किसानों के हित के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसी को हित में ध्यान में रखकर ये एग्मार्कनेट यात्रा प्रारंभ की है। तो आपको अपनी फसलों का सही मूल्य प्राप्त करने में, फसलों की जानकारी और मौसम की जानकारी हासिल करने में और किस मंडी में माल बेचना है इसके बारे में बहुत आराम से और बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। मार्च 2000 से ये योजना लागू की गई और इसका मेन उद्देश्य महोदय यह था कि किसानों तक अधिक से अधिक विपणन संबंधी जानकारी कैसे पहुंचाई जाए। आवश्यकता है लोगों को अच्छी तकनीकी बताने की, अच्छे ज्ञान देने की, फसलें कौन सी कहां कैसी बोई जाती हैं इसकी जानकारी देने की। इस दिशा में पिछले 10-5 वर्षों में बहुत प्रयास हुए हैं। मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में जाकर के आप लोग ये काम करने वाले हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं और ऐसे आयोजन ऐसे प्रयास निरंतर जारी करते रहना चाहिए। ऐसे प्रयास होंगे तो निश्चित रूप से किसान के लिए लाभदायक होंगे
और निश्चित रूप से अगर हम किसान की सेवा करेंगे तो पीड़ित मानवता की सेवा करेंगे। मध्य प्रदेश के 41 जिलों की 80 मंडियों में घूमते हुए इस यात्रा ने किसानों को एगमार्कनेट की जानकारी दी। फल चढ़ाने वाले हाथ के माउस पर चलते ही देश भर की मंडियों के भाव कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए। मौका था ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी द्वारा निकाली जा रही एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क यात्रा का। भोपाल देवास इंदौर होते हुए शनिवार को धार पहुंची यात्रा में किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित बहुउपयोगी वेबसाइट की जानकारी दी गई। मेले में कृषि विभाग व जिला पंचायत द्वारा किसानों के लिए विशेष लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उक्त मेले का उद्घाटन माननीय श्री जसवंत सिंह राठौर विधायक धार के मुख्य अतिथि में सम्पन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में विशेष अतिथि श्री जामसी जीडावर, मंडी अध्यक्ष श्री अजब सिंह पटेल, मंडी उपाध्यक्ष श्री रमेश चंद्र यादव मंडी सचिव रहे। श्री जसवंत सिंह जी राठौर ने अपने उद्बोधन में कहा कि कृषकों को तेजी से विस्तार हो रहे संचार व सूचना प्रौद्योगिकी माध्यम का उपयोग कर उचित लाभ लेना चाहिए, जिससे उन्हें फसलों का अधिक से अधिक दाम प्राप्त हो सके तथा किसान की खुशहाली के माध्यम से देश की तरक्की हो सके। किसानों को जागरूक करने का ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। 1600 से ज्यादा मंडियों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा चुका है तथा 2500 मंडियों में कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं। उम्मीद है कि मार्च 2007 तक 2700 मंडियों को इस पोर्टल के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आवक और प्राइसेस के अलावा अन्य जानकारी जैसे गुणवत्ता कैसी बनाई जाए, ISO स्टैंडर्ड क्या है, आपका HACCP, SPS, कमोडिटी प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल तथा अन्य जानकारी जो कृषि से संबंधित है किसानों तक पहुंचाने के लिए इस मार्ग एगमार्कनेट पोर्टल पर सारी चीज़ें लोड की जा रही हैं। यात्रा प्रथम चरण में 25 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल 2006 को समाप्त हुई तथा दूसरे चरण में यात्रा 10 अप्रैल को शुरू होकर 21 अप्रैल 2006 को समाप्त हुई। यात्रा के संदर्भ में जैसे आपको चौबे जी ने बताया कि यात्रा 25 मार्च से शुरू हुई थी अब्दुल्लागंज से और आज 21 अप्रैल को यहाँ पर समाप्त हो रही है। और जहाँ जहाँ भी हम गए हैं वहाँ हमने एक चिंगारी छोड़ी है जो निश्चित रूप से आगे एक विकराल रूप धारण करेगी और सूचना संचार क्रांति के माध्यम से हमारे किसान भाई और व्यापारी बंधु अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे और अपने क्षेत्र का, अपने व्यवसाय का और इन सब अपने देश का विकास करेंगे। आइसेक्ट के माध्यम से हम शुक्रगुजार हैं चौबे जी का, आइसेक्ट का, कि इन्होंने ये योजनाएं हमारे पास भेजी थी जो हमारी सैंक्शनिंग कमेटी ने इसको अनुमोदित किया था और ये पिछले विगत 2 महीनों से ये यात्रा विभिन्न मंडियों में चली। तो अगर मैं आप याद करता हूँ कि मार्च 2002 में जो हमारा जो वेबसाइट थी, जो पोर्टल था और जो आज जो पोर्टल है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। बहुत सारी नई नई चीज़ें उसमें ऐड हो रही है, जुड़ रही है और उसमें कोशिश ये की जा रही है कि इसको ना सिर्फ एक भाव तक सीमित रहने के लिए बल्कि किसानों से रिलेटेड, किसानों से संबंधित जो भी जानकारी है, चाहे वो मौसम की हो, चाहे वो बीज की हो, चाहे वो खाद की हो, उन सबको इसमें डालने की पूरी कोशिश की जा रही है और एक पूरा एक किसान पोर्टल के रूप में इसको जो है वो विकसित किया जा रहा है। इस तरह की जो यात्रा है वह निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए अत्यंत लाभदायी है। कभी कभी हम इस तरह के आयोजन शहरों में या बड़ी जगहों पे कर लेते हैं, वहाँ जितनी संख्या में लोग जो उपलब्ध उपस्थित हो पाते हैं उनको तो फायदा मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग इससे अछूते रह जाते हैं। श्रीमती उषा चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूँगा कि वे इस पत्रिका का विमोचन करें। मैडम चतुर्वेदी, इस पत्रिका का विमोचन करते हुए बच्चे के साथ साथ उस गाँव के बच्चे भी इस पत्रिका का अध्ययन करते हैं और इस पत्रिका के अंतर्गत आई हुई तकनीकी बातों की जानकारी हासिल करते हैं। निश्चित ही जो लक्ष्य लेकर यात्रा प्रारंभ की गई वो यात्रा अपने लक्ष्य में सफल रही,
इसलिए आईसेक्ट के सभी परिवार को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती। एक समय था जबकि अपने देश में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट यानी देश के बाहर की सेवाओं पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन आज राष्ट्रपति जी के कारण और एक ऐसी लॉबी तैयार होने के कारण जिसमें कि आईसेक्ट शामिल है, देश के भीतर कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाए और भारतीय भाषाओं में कैसे किया जाए, इसको पूरा मदद इस समय मिल रही है और हमारी कोशिश है इस काम को और आगे बढ़ाया जाए। आईसेक्ट ने जो एक प्रशंसनीय कार्य किया है उसके लिए आईसेक्ट को और उसके परिवार को हमारी ढेरों शुभकामनाएं, और जिस सफलता से उन्होंने इस यात्रा को पूर्ण किया है, मैं तो यह सरकार से इस बात का अनुरोध करना चाहूँगी कि आगे भी इस तरह की एग्मार्कनेट यात्रा जिन मंडियों में नहीं पहुँची है उन मंडियों में पहुँच कर अपना कार्य पूर्ण करें, जिससे कि प्रदेश के सभी किसानों को इसका लाभ प्राप्त। निश्चित रूप से इससे लोगों को काफ़ी जागरूकता बढ़ेगी और इस जागरूकता की वजह से वह अपनी खेती को उन्नत बना पाएंगे, अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा जैसे कि पहले भी करता रहा है, हमारी कोशिश रहेगी हम किसानों की ट्रेनिंग भी करना चाहेंगे इसके उपयोग में, तो किसानों का प्रशिक्षण केंद्रों को संबद्ध करना और किसानों तक पहुँचना हमारी कोशिश रहेगी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये यात्रा का समापन हो सकता है पर एक नई यात्रा की शुरुआत भी है। यहाँ आए तो हमें ये जानकारी मिली कि भैया एक मार्क नेट से ये कंप्यूटर सिस्टम जो चालू हुआ है, इससे आपको भाव का, बीज का, आपको खाद का, जो भी मतलब सिस्टम है वो सब जानकारी मिलेगी। आप कहाँ बेचना चाहते हैं, कैसे बेचने चाहते हैं, वो सब आपको इससे जानकारी मिलेगी। हम लोग यहाँ आए, उसकी जानकारी मिली, हमें उसका बहुत अच्छा लाभ हुआ, आगे भी होगा। इस मेले में आने से काफ़ी योजना का लाभ मुझे मिला, जैसे कि किसानों की फसल का उचित दाम मिलना। पहले क्या होता है कि व्यापारी अपनी मनमानी करता था, किसानों को उचित रेट नहीं देते थे। इस मेले में आने से ये जानकारी मिली कि किसानों की फसल का उनको इस मेले के माध्यम से और मंडी में आने के बाद अपने गल्ले का बिल्कुल गवर्नमेंट रेट उचित दाम मिलेगा। और इस मेले में आने से ये भी जानकारी मिली कि किसान अपनी खाद बीज वगैरह का भी इससे लाभ मिलेगा उनको। इस यात्रा के दौरान आने वाले पड़ाव ओबेदुल्लागंज, सीहोर, आष्टा, सोनकच्छ, देवास, इंदौर, धार, उज्जैन, बदनावर, शाजापुर, शुजालपुर, नरसिंहगढ़, होशंगाबाद, इटारसी, बैतूल, मुलताई, पांडुर्णा, छिंदवाड़ा, परासिया, पिपरिया, सागर और रायसेन। ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि एक प्रयास है किसानों को सूचना क्रांति से जोड़ने का, लाभ दिलवाने का और किसान भाइयों को खुशहाल बनाने का। किसान